गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे हम हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में। आज एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डिफरेंट स्टेप्स को हम देखेंगे। फ्लोरिनेशन को यदि हम देखें तो फ्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आयोडिनेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक होने के साथ ही साथ आयोडिनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल भी हैं, यानी कि जो एल्काइल हैलाइड्स एज ए प्रोडक्ट बनते हैं, ये एल्काइल हैलाइड HI के साथ में रिएक्शन करके एल्कीन्स और आयोडीन देते हैं। तो मेनली हम फोकस करते हैं क्लोरीनेशन पे। तो मीथेन सनलाइट की उपस्थिति में सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड देगा, एक हाइड्रोजन एटम इसका क्लोरीन से सब्सटीट्यूट हुआ, मिथाइल क्लोराइड बना, और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हमने पहले कहा था ये चेन रिएक्शंस हम इसको कहते हैं, तो श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पे ये मिथाइल क्लोराइड दर्शाता है, और आगे फिर इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होकर मैथिलीन क्लोराइड या CH2Cl2 बनाता है, इसके बाद क्लोरोफॉर्म, और अल्टीमेटली फिर CCl4 या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो इसकी स्टेप्स देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में Cl-Cl बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन होता है और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसके लिए जो डेल्टा एच या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये है +58 kcal/mol। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लोरीनेशन की इस अभिक्रिया को, इस पद को आरंभ करने के लिए, यानी कि उस स्टेप को संपन्न होने के लिए जो स्टेप पूरी रिएक्शन को आरंभ करेगी या इनिशिएट करेगी, इस स्टेप के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 58 kcal। इतनी ऊष्मा की हमें ज़रूरत होती है, यानी कि ये पद कैसा है, ऊष्मा शोषी पद है, और ये ऊष्मा हमें सनलाइट से प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया हुई जिसमें हमें फ्री रेडिकल्स मिले। सेकंड स्टेप आती है जिसे हम प्रोपगेटिंग स्टेप कहते हैं। इस प्रोपगेटिंग स्टेप में ये जो बने हुए क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं ये मीथेन के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल फ्री रेडिकल दे रहे हैं, और इस मिथाइल फ्री रेडिकल और HCl के बनने की जो ये स्टेप है इसमें +1 यानी 1 kcal एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये भी। आगे ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल देते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी ऊष्मा हमें निकल रही है यहाँ पर एक्सोथर्मिक ये वाली स्टेप है, -26 kcal ऊष्मा यहाँ पर लिबरेट होती है। तो ये दोनों स्टेप्स जो प्रोपगेशन वाले स्टेप्स हैं जिसमें हमने देखा कि एक स्टेप में तो +1 एनर्जी की ज़रूरत है, इतनी ऊष्मा हमें चाहिए, और -26 जो है वो दूसरे अदर स्टेप्स में बाहर निकल रही है। तो यानी कि ओवरऑल जो डेल्टा एच हुआ प्रोपगेटिंग स्टेप्स के लिए या संचरण वाले जो पद हैं इनके लिए -25 kcal रिएक्शन, यानी कि ये जो संचरण वाले पद हैं जो सेकंड स्टेप होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं। बात करते हैं टर्मिनेशन के स्टेप्स के बारे में। तो टर्मिनेशन में 2 Cl रेडिकल्स मिलकर के Cl2 मॉलिक्यूल दे सकते हैं, जिसके लिए एनर्जी -58 kcal/mol इतनी लिबरेट होती है। इसी तरह से यदि एल्काइल या मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के मिथाइल क्लोराइड बनाता है तो भी हम देख रहे हैं कि -84 kcal हीट इवॉल्व होती है, और इसी तरह से दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल यदि रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और इथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो -88 kcal/mol एनर्जी निकलती है। तो कुछ स्टेप्स हमने शुरू की देखा, जैसे कि फ्री रेडिकल्स का बनना, जैसे इनिशिएशन वाला जो था वो एंडोथर्मिक था, इसी तरह से दूसरी जो स्टेप थी एल्काइल फ्री रेडिकल बनने की ये एंडोथर्मिक थी, और उसके बाद की जो कॉम्बिनेशन अभिक्रियाएं हैं इनमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी लिबरेट होती है। अब चूंकि एक क्लोरीन एटम जो है या एक क्लोरीन फ्री रेडिकल वो कंबाइन करता है मीथेन के साथ में, तो 1 kcal एनर्जी जो है ये हमने देखा था कि रिक्वायर्ड थी, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है रिएक्शन के लिए, यानी कि इतनी एनर्जी देने पर रिएक्शन संपन्न नहीं होती है। तो ये देखा गया कि क्लोरीन फ्री रेडिकल और मीथेन मॉलिक्यूल के बीच में एक स्ट्रांग कॉलिजन तब होगा जबकि
इसे हम जो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसको रिकॉल करते हुए समझ पाएंगे। जैसे हमने ये वाली स्टेप हम ले रहे हैं कि मीथेन की रिएक्शन जब क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ होती है तो इस मीथेन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके लिए हमें 104 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल जब रिकम्बाइन करके HCl बनाता है यानी कि HCl बॉन्ड बनता है तो 103 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस स्टेप को समझ सकती हैं। तो ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है इसके लिए इसने जब एल्केन या मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक किया या इससे जब ये कंबाइन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो ये मीथेन वाला बॉन्ड टूटेगा। मीथेन वाले बॉन्ड के टूटने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये एच रेडिकल के साथ मिलकर के HCl बना रहा है यानी कि HCl बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और इससे जो एनर्जी लिब्रेट हो रही है वो है 103 किलो कैलोरी पर मोल, जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी। तो इट मीन्स कि एक नेट जो इसका डेल्टा एच है या हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो है 1 किलो कैलोरी ओनली। लेकिन ऐसा देखा जाता है डेल्टा एच 1 किलो कैलोरी होने का मतलब ये हुआ कि यदि हम इस रिएक्शन में 1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोवाइड करें तो यह अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन संपन्न नहीं होती। और देखने में ये आता है कि जब तक इसको 4 किलो कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी जब तक इसको ना दे दें तब तक ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। तो ये क्यों 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वास्तव में रिएक्शन के होने के लिए, ये इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम EA से शो करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कर्व के एनर्जी कर्व के रूप में हम इसे समझेंगे अपनी आगे के स्लाइड्स में। फिलहाल बात करते हैं अगली स्टेप के लिए। तो इन स्टेप्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर -58, -84 और -88 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो यहाँ पर लिब्रेट हो रही है, यानी कि ओवरऑल यदि हम देखें हेलोजिनेशन तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब 4 किलो कैलोरी एनर्जी जब तक इसको प्रोवाइड नहीं की जाती तब तक ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये इस मीथेन मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड नहीं कर पाता या रिएक्शन नहीं कर पाता, और जब एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जब प्रोवाइड की जाती है तभी ये रिएक्शन होती है। अब ये अणु कहाँ से अपनी ये एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करेंगे, ये वास्तव में प्राप्त करते हैं काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में हैं और इधर उधर मूव करते रहते हैं, तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है उस काइनेटिक एनर्जी से इनको एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दो चीज़ें हुई कि एक तो हाई एनर्जी और दूसरी चीज़ कि जब वो कोलाइड करते हैं उस समय एक इफ़ेक्टिव कोलिजन या एक प्रभावी टक्कर, तभी कोई अभिक्रिया अच्छे से या प्रभावी रूप से संपन्न हो पाती है, कि जितनी एक्टिवेशन एनर्जी उसे चाहिए उसको प्रोवाइड कराना, और वो इन टर्न कहाँ से प्राप्त करती हैं, अणुओं की परस्पर टक्कर से। तो ये टक्कर प्रभावी हो इसके लिए ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव जो ओरिएंटेशन है, एक दूसरे के सापेक्ष जो उनका अभिविन्यास है वो प्रॉपर होना चाहिए या सही दिशा में वो अभिविन्यासित होने चाहिए, और जब सही दिशा में अभिविन्यासित होंगे उनकी टक्कर प्रभावी होगी तभी ये रिएक्शन संपन्न हो पाएगी कि क्लोरीन फ्री रेडिकल एल्केन मॉलिक्यूल में से मिथाइल फ्री रेडिकल को बनाएगा और HCl मॉलिक्यूल बनाएगा। तो देखा जाता है कि 8 टक्करों में से एक टक्कर ही सही दिशा में अभिविन्यासित होती है। बात करते हैं ये जो कर्व्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में। तो हेलोजिनेशन के लिए पर्टिकुलर कर्व देखने से पहले हम सिंपली समझना चाहेंगे कि कैसे अभिक्रिया की प्रकृति या अभिक्रिया के प्रोसीडिंग, अभिक्रिया का आगे बढ़ना और एनर्जी को हम ग्राफ के रूप में लेते हैं और इससे हमें क्या समझ में आता है। हालांकि ये सारे
कर्व्स हम रिएक्शन मैकेनिज्म के तहत बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार इनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ये है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं रिएक्शन की प्रोसीडिंग या रिएक्शन का आगे बढ़ना, और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। तो इनके बीच में जब हम कर्व ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर, और जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बढ़ना शुरू होते हैं या कन्वर्ट होना शुरू होते हैं तो पहले इनको एक हाई एनर्जी स्टेट या मैक्सिमा पर पहुँचना पड़ता है, और उसको क्रॉस करके फिर एनर्जी स्लो डाउन होने लगती है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो इस ऊर्जा अवस्था चित्र में यदि हम ध्यान से देखें तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है जबकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये है एंथैल्पी या डेल्टा एच। और चूंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन के दौरान, कन्वर्जन के दौरान हीट लिब्रेट हुई है, एनर्जी बाहर निकली है, तो इसलिए ये रिएक्शंस कैसी हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम